नमस्कार, मीडिया नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हमवीर सिंह, आप तो जानते हैं, भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो समाज के लिए कुछ करते हैं। आज हमारी तलाश पूरी हुई है गाजीपुर गांव में, जो कि धर्मवीर सेठी जी हैं, जो कि प्रमुख समाज सेवक हैं। उनसे जानेंगे उन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत कब की, कैसे की और उनका क्या है फ्यूचर प्लान। धर्मवीर सेठी साहब, आपका स्वागत है फेस टू फेस में। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। सबसे पहले तो हमीर जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने समय देके हमारी बात मीडिया के थ्रू समाज तक पहुँचाने की कोशिश की है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धर्मवीर जी, जैसा कि हमने देखा है, आप प्रमुख समाज सेवक रहे हैं, वर्तमान में भी काम करते रहते हैं, तो आपने सामाजिक लाइफ कब शुरुआत की, कैसे सोचा आपने ये? सामाजिक लाइफ हमारी भाई जब शुरू हुई थी, जैसे 2006 में हमने एक पंचायती, हमारे गाँव का पंचायती देहात का मामला है, हमने 2007 के नगर निगम के चुनाव की तैयारी की थी। 2007 में BSP से हम कैंडिडेट थे, तो जब हमारी पंचायती तरीके से हमारा फैसला हुआ था हम चुनाव लड़ेंगे, हमने चुनाव लड़ा, चुनाव में हमें सीट नहीं मिली, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कुछ लोग हमसे ऐसे जुड़ गए कि हमारी विचारधारा ही बदल गई उन लोगों से जुड़ने के बाद। और हमारे मन में सिर्फ एक बात आ गई कि अब जीवन में अगर समाज सेवा कर सकते, जितनी हम कर सकते हैं उतनी हम करेंगे अपने लेवल तक। और जब से ही हमारी 2006 से ही हमारी शुरुआत है, तो तभी से आप प्रमुख समाज सेवा करते रहते हैं हर त्योहारों पर वैसे भी। अच्छा, 2017 का चुनाव जो था बहुत काफ़ी अच्छा रहा, उसका क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में आप? 2017 का जो चुनाव था बड़ा बेहतरीन चुनाव था। हम इंडिपेंडेंट थे और हमारी टीम बहुत, अपनी NGO है, जैसे मैंने बताया था एक बार लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी, तो हमारी अपनी टीम है, टीम की परफॉर्मेंस, हमारे अचीवमेंट काफ़ी थे, बहुत अच्छे थे। इंडिपेंडेंट लेवल पर हम दिल्ली शहर में सेकेंड आए थे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और सबसे बड़ी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अवॉइड कर गए या जिस चीज़ों को हमने सोचा कि इस तरह से नहीं हो पाएगा, तो वहाँ पे थोड़ी सी हमारी चूक हो गई, सीट नहीं आई। बाकी लोगों का सम्मान और आगे लिए हमारे लिए हौसला अफजाई बहुत हुई है। हमें जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ पे भी लोग हमारे लिए तैयार खड़े थे, और ये उनका एहसान है और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। रिसेंटली आपने आम आदमी पार्टी चुनी है, आम आदमी पार्टी क्यों चुनी और क्या फ्यूचर प्लान है आपका? जी, आम आदमी पार्टी चुनने का एक ये बस ये हमारे मन में जो विचार आया, क्योंकि पिछले 7 साल से हम आम आदमी पार्टी को देखते आ रहे हैं। हम यहाँ की पैदाइश हैं, लोकल हैं, पार्टी हमने ऐसे देखी है जो 7 साल से, 7 साल पहले सत्ता में आई, फिर दोबारा सत्ता में आई, और जैसे इनके वादे थे, जैसे इनकी जो चीज़ें थी जो इन्होंने बताई ग्राउंड लेवल पर, वो इनकी कंप्लीट की इन्होंने। शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। मैं नहीं मानता कि अगर ये सरकार नहीं आती तो अगले 20-30 साल तक जो शिक्षा का सुधार हुआ है 2000 अब हमारे इसमें 21 में, वो 2031 या 35 तक भी नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास आइडिया नहीं थे, इसलिए आपने आम आदमी पार्टी चुनी। इनकी विचारधारा से हम और हमारी टीम बहुत प्रभावित हुए हैं, और हम साथ काम, हमारा जो ज्वाइन करने का बिजनेस निस्वार्थ है कि हमें साथ काम करना है जी। कोई हमें, तो क्या है फ्यूचर प्लान आपका अभी? फ्यूचर प्लान कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, बस साथ काम करना है, जो जिम्मेदारी देती है पार्टी, जैसे भी हम लोग आपस में टाइप कर पाते हैं हम साथ काम करेंगे। कोई प्लान टारगेट ऐसा सेट नहीं है कि हमें कुछ उससे मिल जाए या हम उससे कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अपनी टीम है, समाज सेवा की टीम है, हम सिर्फ उसमें हमें जुड़ना है क्योंकि हमारा इनसे मिलता है जी। वर्तमान में आपके वार्ड में, आपके क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं क्या हैं, अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहला काम क्या कराना चाहेंगे आप? हमारे वार्ड में जो मैं सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पानी की और सफाई की है, बहुत बड़ी समस्या। जो समस्या सारी हैं लेकिन पानी की और ई ब्लॉक में, हमारा जो गाजीपुर का ई ब्लॉक में, इसमें पानी के टैंकर वगैरह आते हैं, पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सफाई पूरे गाजीपुर में चारों कोनों में अगर आप जाके एक बार सर्वे कराएंगे, विजिट कराएंगे, तो मेरे सवाल का आपको, जो मैं बोल रहा हूँ, आपको जवाब मिल जाएगा, और प्रैक्टिकल तरीके से आप देख पाओगे कि हमारे यहाँ पर गाजीपुर में और जोशी कॉलोनी में और हसनपुर जो इंदिरा कैंप है यहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से गंदगी हुई पड़ी है। जो काम म्युनिसिपल का है, MCD का जो काम है, MCD काम को नहीं कर पा रही है। MCD के जो करंट काउंसलर हैं, जो भी है, हम उनकी बुराई ना करते हुए सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, या तो उनको अनुभव नहीं है या उनको उनका नियत नहीं है उनके काम करने की। अगर वो कर सकते हैं, उनको बैठ कर सिर्फ उन्हें ऑर्डर, कुछ ऑर्डर करने होते हैं, कुछ अपने पेपर साइन करने होते हैं, काम होते हैं, वो उस तरफ जा ही नहीं पा रहे जी जी। उनको नहीं करना आगे यहाँ काम, लेकिन काम करने वाले कुछ और लोग हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे सोच नहीं पा रहे। उनको अपनी पार्टी में होते हैं, पार्टी में अपने क्या नाम है मीटिंगों में होते हैं, लोकल में, क्षेत्र में कुछ भी उनकी तरफ से कोई भी योगदान नहीं है जी जी। जैसा कि आपने, आपकी एक संस्था है जिसके माध्यम से समाज सेवा करते रहते हैं आप, मुख्य रूप से किस तरह की समाज सेवा कर रहे थे आप अभी तक? हम समाज सेवा, जो हमारी समाज सेवा होती है, वो जो हमारे गाजीपुर में, जोशी कॉलोनी में, या हमारे जो हसनपुर गांव में जो पिछड़े लोग हैं, हमारे एरिया में सोसाइटीज़ आती हैं,
उसमें RWA है, सोसाइटी के लिए RWA होता है, जे जे क्लस्टर के लिए, कॉलोनी के लिए, गांव के लिए कोई RWA नहीं है, जो है वो करप्ट है, सीधा सीधा है, जो बातें हैं क्लियर है। और वो लोग उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचा पाते जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे एक MCD क्या देता है, ग्राउंड लेवल पर देता है, वो बिजली सफाई का देता है या रोड का देता है, वो नहीं पहुंचा पा रहे। हम लोग कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कि हम अपना 100% देते हैं, लेकिन 100% कवर नहीं कर पाते। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम उन तक वो सुविधाएं पहुंचा पाएं। जी, आपको अगर मौका मिलेगा, अगर MCD में आप आए, निगम पार्षद बने, सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे आप? मैं ये जानता हूँ अपने बारे में, हमारी टीम के बारे में, कि अगर हम ये हमें जानते हैं कि MCD में कितने अधिकार होते हैं, कितना काम होता है, एक विधायक फंड में कितना हमारे एरिया, एक विधायक फंड में एक विधानसभा में 4 MCD के वार्ड आते हैं, हमारे वार्ड में कितने काम विधायक फंड से होने हैं, विधायक से होने हैं, हम MCD का काम करेंगे, ये हम जानते हैं, हम विधायक से भी खड़े होकर विधायक का काम करवाएंगे। जी जी, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? जो हमें देख रहे हैं उनके लिए, उनको हम बस ये कहना चाहेंगे कि जिसको भी आप अगर चुनाव आते हैं, कोई भी चुनाव आता है, MCD का आता है, नगर विधानसभा का आता है, जिस जो भी आपके सामने चुनाव आता है, कैंडिडेट वो देखो जो आपका हो, अपना हो, आपके आसपास का हो, अपने साथ का हो, 24 घंटे आपके लिए तैयार रहने वाला हो। ऐसा ना हो कि भाई वो आज यहाँ है, कल कहीं और है, वो पार्टी किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मुझे ही वोट दो, मेरी अपील में ये नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हमसे अच्छा कोई है तो आप उसे दो, लेकिन सर्वे करो, अपने मन से सर्वे करो। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, नेता जो भी चुनो वो आपका अपना होना चाहिए, उसे आपकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप कोई बाहर से होता है और उसे आप बताओगे तो उसके 5 साल उसको बताने और उसकी जानकारी बनाने में ही लग जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ये थे आज के हमारे खास मेहमान धर्मवीर सेठी जी, जो कि प्रमुख समाज सेवक हैं। फिर आऊँगा नई आवाज़ के साथ, नई पहचान के साथ। देखना ना भूलें फेस टू फेस।